ओम साईरा। आज हम आए थे शिरडी और रुके हुए थे भक्ति निवास में। भक्ति निवास में साई संस्था की तरफ से मिलने वाली चाय कॉफी अगर आपने नहीं पी तो फिर क्या पी? तो चलिए यही चाय पीते हुए साई चरित्र में लिखी गई अध्याय 15 में चोलकर की शक्कर रही चाय की कथा आज मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। बाबा की कीर्ति शिरडी के आजू बाजू के सभी जिलों में फैल चुकी थी। साई बाबा ने श्री दास गणु जी को प्रचार करने का काम दिया हुआ था। यही काम को करने के लिए दास गणु जी शिरडी के आजू बाजू के जिलों में जाते, वहाँ भजन कीर्तन किया करते। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को हर घर में पहुँचा दिया था। दास गणु जी का कीर्तन श्रोताओं के हृदय में बहुत गहरा प्रभाव डालता था। उसका श्रेय केवल और केवल दास गणु जी को ही मिलना चाहिए। दास गणु जी जहाँ भी हो भगवान उनको सदैव खुश रखे। एक समय की बात है, थाने के श्री खुब्बेश्वर मंदिर में दास गणु जी भजन कीर्तन कर रहे थे। इस भजन कीर्तन में चोलकर नामक एक व्यक्ति था जो न्यायालय में एक अस्थाई कर्मचारी था। दास गणु जी का कीर्तन सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को प्रार्थना करने लगा। हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी सही तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं असमर्थ हूँ। यदि आपकी कृपा रही तो अगले महीने होने वाली परीक्षा में अगर मैं उत्तीर्ण हो जाता हूँ तो मैं आपके पास आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा और मिश्री का प्रसाद बांटूँगा। ऐसा भगवान से प्रार्थना कर वो अपनी परीक्षा की तैयारी में लग गया। भाग्य ने पलटा खाया और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई, उसकी सैलरी भी बढ़ गई, लेकिन एक संकल्प ही शेष रह गया था। चोलकर एक निर्धन व्यक्ति था, उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो शिरडी पहुंच पाए। उसका कुटुंब भी बहुत बड़ा था। थोड़े दिन बीतने के बाद चोलकर ने थोड़ा सोचा कि मुझे थोड़े थोड़े पैसे बचाने होंगे तभी मैं शिरडी जा पाऊँगा। चोलकर को दो टाइम का खाना ना मिले तो चल जाता, लेकिन उसको दो टाइम की चाय जरूर चाहिए थी। तो उसने पहले दो टाइम चाय छोड़कर एक टाइम चाय लेने की पसंद की। थोड़े दिन और बीतने के बाद उसने चाय में मिश्री डालनी भी बंद कर दी। ऐसा थोड़े दिन बीतने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा उसके पास बचने लगा और वो शिरडी पहुँचा। शिरडी पहुँच कर द्वारका माई में चोलकर ने साई भगवान के दर्शन किए, उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया और अपनी संकल्प अनुसार मिश्री का वितरण किया और साई बाबा भगवान से बोला, आपका दर्शन कर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपने उसी दिन पूर्ण कर दी थी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। उसी दौरान वहाँ उपस्थित साई भक्त को साई बाबा ने, जिनका नाम था बापू साहेब जोग, उनको बोला कि ये चोलकर को चाय पिलाई जाए और चाय में शक्कर थोड़ी और मिलाई जाए। ऐसा सुनकर चोलकर बहुत ही भावुक हो गए और सहस्त्र आंसुओं के साथ साई बाबा के चरणों में गिर गए। बाबा साहेब जोग को भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि साई बाबा ने ऐसा क्यों बोला। साई बाबा का उद्देश्य तो केवल चोलकर का हृदय में केवल भक्ति का बीजारोपण ही करना था। बाबा ने उनको ऐसा भी बताया कि आपको जो शिरडी आने में जो देरी हुई, आप कैसे यहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर शिरडी पहुँचे, ये सभी कुछ मेरे पास पहुँच चुका है। यही कहना था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं शरीर से तो यहाँ पे हूँ, परंतु मुझे सात समुद्र के पार होने वाली सभी घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में ही विराजित हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। धन्य और सौभाग्यशाली वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की, एक कथा से हमें ये जानना और सीखने को मिलता है। ओम शायरा, ओम शायरा।